हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव डॉन। और दोस्तों, होंडा ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान ओरा को आज लॉन्च कर दिया है। होंडा ने अपनी ओरा को कुछ समय पहले रिवील किया था और इस नए साल में ये होंडा की सबसे पहली गाड़ी बन गई है जिसको कंपनी ने लॉन्च किया है। होंडा ने इसको 5,80,000 रुपए के प्राइस पर लॉन्च किया है और ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल करवाई गई है। होंडा ओरा में आपको BS6 कंपेटेबल इंजन दिए गए हैं और इस गाड़ी के अंदर जो इंजन दिए गए हैं उसमें सबसे पहले तो आपको एक 1.2 लीटर का इको टॉक डीजल इंजन दिया गया है जो कि 75 पीएस की पावर और 190 एनएम का टॉक जनरेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो कि 83 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉक जनरेट करता है। होंडा ओरा में आपको पेट्रोल इंजन का ही एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन और ये इंजन आपको 100 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देता है। और इन डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको ये गाड़ी फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल करवाई गई है और ये जो CNG वर्जन होगा इसका वो आपको 69 पीएस की पावर और 97 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देगा। ये गाड़ी आपको 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ही ऑप्शन में मिलेगी, पर मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस आपको इसके 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस में ही मिलेंगे। और बात की जाए इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी या पावर की, तो आप इस गाड़ी का जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसमें 20 के अराउंड जो है एक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो फिगर्स हैं ये ARAI के अकॉर्डिंग रेटेड की गई हैं और जो इसका 1.2 लीटर का डीजल इंजन है उसके अंदर आप 25 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड इसकी एक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें आप 20 किलोमीटर पर लीटर की एक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें होंडा ओरा के आउटर लुक्स की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, जी शेप्ड LED टेल लाइट्स, ट्विन बूमरैंग DRLs जैसी काफी सारी चीजें इसके फ्रंट और बैक में देखने को मिलेंगी। और इसका जो व्हील साइज है वो 15 इंचेस का है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको जो कलर ऑप्शंस मिलेंगे वो होंगे ब्राउन, रेड, ब्लू, सिल्वर, ग्रे और व्हाइट के। और इसके साथ ही होंडा ओरा में आपको टर्बो पैक के ऑप्शन भी अवेलेबल करवाए गए हैं जो कि आपको सिर्फ सिल्वर, व्हाइट और रेड कलर्स में ही मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ओरा की जो कि एक होंडा की कार है और होंडा में हमेशा ही कहता आया हूँ कि अपने सेगमेंट फीचर्स के लिए बहुत ही अच्छे से जानी जाती है, तो इसके अंदर भी आपको काफी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, 5.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम, USB फास्ट चार्जर, कूल ग्लव बॉक्स, iBlue ऑडियो रिमोट स्मार्टफोन ऐप, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, आउटसाइड क्रोम डोर हैंडल, रियर AC वेंट्स, रियर सीट आर्मरेस्ट, एयर कर्टेन, 8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों से ही कंपेटेबल होगा, और इसी तरह के काफी सारे आपको फीचर्स में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद बात की जाए होंडा ओरा के सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD मिलेगा और साथ ही इसके अंदर आपको ब्लू लिंक टैग जो कि एक नई सेफ्टी मेजर है जिसके अंदर आपको काफी सारी सेफ्टी वार्निंग्स मिलती हैं जैसे कि क्रैश अलर्ट, पेरीमीटर अलर्ट, SOS कॉलिंग, टोइंग अलर्ट बटन जैसी काफी सारी चीजें इसके अंदर आपको दी गई हैं। और साथ ही इसके अंदर आपको बेटर NVH लेवल्स और इसकी स्ट्रेंथ भी आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगी अगर आप इसको एक्सेंट से, होंडा एक्सेंट से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो। और इस सब के अलावा आपको इसके अंदर डुअल एयरबैग्स, आइसोविक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसी चीजें एक स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर देखने को मिलेंगी। साथ ही इसके अंदर आपको रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है और हाई स्पीड अलर्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉक फंक्शन जैसे काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। होंडा ओरा में आपको 3 वारंटी पैकेज के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे पहला तो है 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर का, दूसरा है 4 साल या 75,000 किलोमीटर का और तीसरा है 5 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर का। और ये सभी आपको रोड साइड असिस्टेंस के साथ दिए जाएंगे। होंडा ओरा में आपको टोटल 5 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन आपको इसके 2 ही वेरिएंट्स में मिलेगा जो कि होगा होंडा ओरा S और होंडा ओरा SX प्लस वेरिएंट। होंडा ओरा का जो बूट स्पेस होगा वो 402 लीटर का होगा और इसके अंदर आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और साथ ही बात की जाए इसकी डायमेंशंस की और इसके व्हील बेस की, तो व्हील बेस इसका 2450 mm का होगा और होंडा ओरा की जो लेंथ है
वो 3995 mm की है, साथ ही इसकी जो विड्थ है वो 1680 mm की है और इसकी जो हाइट है वो 1520 mm की है। और अब जब Hyundai Aura Fine लॉन्च हो गई है तो ये कॉम्पीट करेगी Honda Amaze, Maruti Desire, Tata Tigor और Ford Aspire जैसी कार से। दोस्तों ये थी वो सारी ड्रिल्स लेटेस्ट न्यूली लॉन्च Hyundai Aura की, और अगर आप इसके अलावा भी इस गाड़ी के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का यूज जरूर कीजिए, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बने रहिए ड्राइव डॉन के साथ कार और बाइक वर्ल्ड की ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप ड्राइविंग।